8 मई प्रत्येक साल ते हर वर्ष पूरे विश्व के अंदर ये विश्व रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। जो रेड क्रॉस के जनक सर हेनरी डुनेंट, जिनका 8 मई 1828 को जिनेवा के अंदर जन्म हुआ, एक संभ्रांत और सुसंस्कारित परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ और बचपन से ही देशभक्ति की और सेवा के भाव उनके पेरेंट्स के अंदर थे। अपने माता पिता से ही उन्होंने ये संस्कार लिए और उन्होंने एक ऐसा पौधा लगाया 1863 के अंदर। अगर उसके अतीत के अंदर जाएं तो उन्होंने एक युद्ध ऑस्ट्रिया और इटली के मध्य जो युद्ध हुआ था सेल्फरिनो नगर के अंदर, इटली के अंदर, जहां पे बहुत से 40,000 के करीब सैनिक मारे गए थे, भयंकर मारकाट हुई थी, बम गोले चल रहे थे, वह जब त्राही त्राही देखी तो इनका हृदय द्रवित हो गया। और ये हृदय जो द्रवित हुआ था यही बेस बना रेड क्रॉस का। उन्होंने कहा कि एक ऐसा संगठन बने जो सैनिकों की सेवा कर सके, सैनिकों के बारे में सोच सके, उनके परिवारों के बारे में सोच सके। और 1863 के अंदर उन्होंने एक छोटा सा पौधा जिनेवा के अंदर लगाया जो आज वट वृक्ष के रूप में पूरे विश्व के सामने है। 192 कंट्रीज के अंदर रेड क्रॉस काम कर रही है। और अगर अपने भारतवर्ष की बात करूं तो 1920 के अंदर पार्लियामेंट एक्ट के अंदर रेड क्रॉस की स्थापना भारत के अंदर हुई। और हरियाणा की अगर मैं बात करूं, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग हुआ, 5 साल तक हम पंजाब के साथ चलते रहे और 1971 के अंदर हरियाणा रेड क्रॉस की स्थापना हुई। और आज मैं बड़े गर्व से बताना चाहूंगा कि रेड क्रॉस हरियाणा, हरियाणा रेड क्रॉस पूरे देश के अंदर अग्रणी संस्था है और नंबर 1 संस्था। अन्य अपडेट के लिए आज ही इस पेज को फॉलो करें।